Good morning, students. Today we'll be taking the measures of central tendency in the chapter statistics. There are three measures of central tendency: mean, mode, and median. Now, first of all, mean. Mean is sum of all observations upon total number of observations. और इसे इस तरह हम x bar से denote करते हैं. For example, observations है हमारे पास x1, x2, x3, so on till xn. यानी कि n observations हैं, तो mean होगा इन सभी observations को add किया x1 plus x2 plus x3 so on till xn divided by n. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं summation. ये निशान जो होता है summation का होता है, यानी कि sum किया. I varies from 1 to n xi whole divided by n. अगर आपको frequency distribution table दिया हुआ है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है x1 जो कि f1 टाइम्स आती है, x2 f2 टाइम्स आती है, x3 f3 टाइम्स आती है और xn fn टाइम्स आती है. मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. उस केस में हम fi xi निकालते हैं, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 f1 x2 f2 मल्टीप्लाई करते चले गए इस तरीके से. तो अब मीन हो गई क्योंकि x1 f1 टाइम्स आया था, तो इट इज f1 x1. तो f1 x1 plus f2 x2 plus so on till fn xn whole divided by f1 plus f2 plus f3 plus f1, यानी कि total number of observations. फॉर्मूले में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, summation I varies from 1 to n fi xi whole divided by summation I varies from 1 to n summation fi. Now next is median. अभी हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे भी मीन को. पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं. मीडियन, इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब जो आपको रॉ डाटा दिया होता है उसको पहले वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए और फिर उसकी जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम कहते हैं मीडियन. अब एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर एन ऑब्जर्वेशन है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो n odd होगा या n even होगा. अगर n odd होगा तो median होगी value of n plus 1 upon 2th observation. मान लीजिए अगर 5 है तो क्या होगा, 5 plus 1 यानी कि 6 upon 2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन. देखिए जैसे अगर मान लीजिए x1 x2 x3 x4 x5 ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मिडिल मोस्ट क्या हुई, 5 plus 1 by 2 यानी कि 6 by 2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन मिडिल मोस्ट होगी. ठीक है ना. नाउ इफ एन इज इवन, अब मिडिल में दो आएंगे ऑब्जर्वेशन क्योंकि इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगी, मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n/2th and n/2+1th ऑब्जर्वेशन. दो ऑब्जर्वेशन अगर दी हुई है, सॉरी इवन ऑब्जर्वेशन अगर दी हुई है, तो उनकी जो मिडिल की दो ऑब्जर्वेशन होंगी असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला जाएगा. मीन मीन्स उन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज मोड. मोड इज, मोड क्या होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिस जो कि सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट, या हम कह दें मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड मोड. एक एग्जांपल लेते हैं आपके एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम इन 10 मैचेस, ये दिया हुआ है 3 2 3 4 5 0 1 3 4 3. ये आपका रॉ डाटा है, ये किसी तरह से भी अरेंज्ड नहीं है. अब पहले हमने इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 चार बार आ रहा है तो 4 बार लिखना पड़ेगा, 4 दो बार आ रहा है और फिर 5. मीन तो हो गया, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस है तो डिवाइडेड बाय 10. आई होप ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे. इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 10 तो आपको आंसर मिल जाएगा मीन. अब क्योंकि ये 10 ऑब्जर्वेशंस है, एन इज 10 यानी कि 10 तो इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगी, मीन ऑफ वैल्यू ऑफ, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इवन हो एन तो मिडिल की जो दो वैल्यूज होती है यानी कि एन बाई टू एथ एंड एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन. एन है 10 तो 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन एंड एन बाई टू प्लस वन मतलब 5th प्लस वन यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन.
अब यहाँ पे देखिए अरेंज्ड डाटा में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, एक दो तीन चार पांच, ये है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू डाल दी दोनों की 3 + 3 और मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, 6/2 यानी कि 3 आ गया मीडियन। देन मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये तो आपको यहाँ से बिल्कुल डाटा देखते साथ ही पता चल जाएगा, अरेंज डाटा करने से तो और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाता है। ये तीन जो है थ्री, ये 4 times आ रहा है यानी कि सबसे ज्यादा बार यही आ रहा है, तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन दैट इज 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज 14.4। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।